उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन जिले में मौसम विभाग का हाल बेहाल है। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए मौसम की जानकारी देने वाले उपकरण खराब पड़े धूल फांक रहे हैं। वहीं 2016 से जिला मुख्यालय पर मौसम वैज्ञानिक तो दूर, विभागीय अधिकारी भी तैनात नहीं है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम शुरू हो चुका है और आज सहारनपुर में पिछले 10 सालों से ज्यादा तापमान में गिरावट आई है। और हम मौसम विभाग की बात करते हैं, यहाँ मौसम विभाग की जो मशीनें हैं वो पूरी तरह से खराब हैं, और देखा जाए तो जो वो हवा का रुख बताने वाली मशीन है वो भी खराब हो चुकी है, और धूप कम या ज्यादा बताने वाली मशीन भी खराब हो चुकी है। अगर हम बात करें दिशाओं का जो जानकारी हमें देती है, वो भी मशीन यहाँ पर खराब हो चुकी है, जिसके चलते जहाँ लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं जो मौसम विभाग के अधिकारी है उनको भी मौसम की जानकारी देने में कई सारी दिक्कतें आती हैं। हमारे साथ मौसम विभाग के कनिष्ठ लिपिक हैं, उनसे हम जानते हैं। भाई साहब, आपका ईटीवी में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम विभाग की मशीनें खराब हुई हैं, लाखों रुपए की सरकार ने लगाए हैं, तो आप लोगों किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारे यहाँ जो अधिकारी है मौसम विभाग के, वो है हमारे यहाँ कोई भी नहीं, उनका ट्रांसफर हो चुका है मतलब 2016 में, और इसलिए हम प्रॉपर किसी को तापमान दे नहीं सकते। हमारी मशीनें खराब हो गई, 10 काफी पुरानी हो गई, 1950 की लगी हुई मशीनें, और ये डेड हो चुकी है। हमने कुछ अधिकारी को अपने लेटर भी लिखा, मतलब संबंधित मतलब मौसम विभाग का कोई अधिकारी भेजा जाए कि मतलब हम आगे किसी को सूचना दे सके मतलब, और इसके मतलब हमें कोई सुनवाई नहीं, कई हमें जवाब, हमारा कोई लेटर वहां से नहीं आया, हर हमने कई बार लेटर दिया है मतलब। अभी हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमें अधिकारी कोई नहीं है जो प्रॉपर ये हमें इसका डेटा चला सके सही है, और ये सूचना दे सके। देखिए बिल्कुल, जो मौसम यहाँ का है 0.2 दर्ज किया गया है, लेकिन इन मशीनों के खराब होने से जहाँ शहरवासियों को अपने तापमान का पता करने में की समस्याएं सामने आती हैं, तो वहीं जो अधिकारी हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो है कि पिछले 4 सालों में जो यहाँ से तबादला होकर अधिकारी तो चले गए थे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है, जिससे सरकार और मौसम विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।